देख लीजिए इस जगह को, ये जगह है हमीरपुर सिटी फॉरेस्ट एरिया। आज से महज कुछ दिन पहले वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में 6 लोगों की दरिंदगी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। वीडियो में दिख रहा था कि कैसे 6 दरिंदों ने एक लड़की को उसके बॉयफ्रेंड के सामने पहले तो नंगा किया, फिर उसकी बेल्ट से जमकर पिटाई कर दी। घटना के दौरान लड़का और लड़की हाथ पैर जोड़ते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, भैया भैया बोलते रहे, लेकिन इन दरिंदों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। पहले तो उन्होंने इस दरिंदगी को अंजाम दिया, फिर लड़की का न्यूड वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद से ही ना तो लड़की की अब तक कोई खबर है, ना ही पीड़िता की। पुलिस से सवाल पूछने पर भी कोई जवाब नहीं मिल रहा। इसी बीच उसी जगह का एक और वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे कुछ लोग झुंड बनाकर एक महिला को परेशान कर रहे हैं। वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि महिला कह रही है कि वो अपने पति के साथ बस घूमने आई है, लेकिन वहां मौजूद लड़के उसे जबरदस्ती परेशान और प्रताड़ित कर रहे हैं। हालांकि ये वीडियो कब की है इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। इस वीडियो में कुछ लड़के महिला की साड़ी खींचते और डंडे मारते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि ये इलाका वर्जित क्षेत्र में आता है और यहां आम लोगों का घुसना मना है, इसके लिए बकायदा गार्ड भी लगाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं से लोग अक्सर यहां घूमने आ जाते हैं। सूत्रों की माने तो यहां इस तरह की घटनाओं को अक्सर अंजाम दिया जाता है। यहां ऐसे कई ग्रुप एक्टिव हैं जो अकेले घूमते कपल को देखकर उन्हें परेशान करते हैं, मारपीट कर उनका वीडियो बनाते हैं और उन्हें ब्लैकमेल कर उनसे पैसा वसूलते हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए छानबीन शुरू कर दी है। हमीरपुर के SP शुभम पटेल ने इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वीडियो देखकर पुराना लगता है, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और वीडियो के आधार पर आरोपियों को चिन्हित कर कार्रवाई की तैयारी में है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक ये वीडियो आज संज्ञान में आया है जो देखने से पुराना प्रतीत हो रहा है। यह बताया जा रहा है कि यह थाना कोतवाली से संबंधित है। इस वीडियो में एक महिला के साथ कुछ लोग मौखिक रूप से वाद विवाद करते दिखाई दे रहे हैं और इस संबंध में थाना पुलिस उक्त व्यक्तियों को वीडियो के माध्यम से चिन्हित कर रही है और चिन्हीकरण के बाद तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के मामले में ना तो पीड़ित सामने आने को तैयार होते हैं और ना ही परिजन इस पर कुछ बोलना चाहते हैं। ऐसे में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधी सबूत के अभाव में कुछ दिन बाद छूट जाते हैं और फिर ऐसे ही अपराध को अंजाम देते रहते हैं। ऐसे में ये पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होती है कि कैसे इस तरह के अपराधियों को सबक सिखा दिया जाए कि आगे से कुछ भी करने से पहले उन्हें कानून का खौफ सताए। हमीरपुर से नाहिद अंसारी की रिपोर्ट, UP तक।